जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को महानगर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री व हरियाणा के प्रभारी कलराज मिश्र ने कहा कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब मोदी सरकार देगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले को कायरता बताते हुए इस हमले के विरोध में पूरा देश एकजुट हो गया है और बहुत जल्द ही इस हमले का जवाब हमारी सरकार दुश्मन देश को देगी। शहीदों के प्रति हमारी पूरी शोक संवेदना है। हम किसी को छेड़ते नहीं और जो हमें छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री व हरियाणा के प्रभारी कलराज मिश्र ने कहा, मारने के लिए कायरतापूर्ण हमला था। कल मैं आया था और अपने संसदीय क्षेत्र देवरिया में गया और रात को मैं यहाँ आ गया था और मैं विशेष रूप से कल जो हृदय विदारक और जिस नृशंसतापूर्ण ढंग से बम विस्फोट करके जैश ए मोहम्मद ने जिसने वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है फिदायीन हमले के माध्यम से जवानों को मारा है, ध्वस्त किया है, इसने पूरे देश को एक चुनौती दी है। जवानों की हत्या नहीं की गई है, पूरे देश को ललकारने की कोशिश की गई है। ये बड़ा दुखद क्षण है। ऐसी फिदायनी आतंकवादी घटना बहुत कम देखने को मिलती है। आपके सरकार का अगला कदम क्या होगा? और इसलिए मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, इसकी निंदा करता हूँ और निश्चित रूप से इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे बाकी की लोगों ने आगे की क्या रणनीति होगी इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ तय करेंगे। और अभी आज बैठक भी है, इतना अवश्य है कि जैशे मोहम्मद को पूरा संरक्षण पाकिस्तान का रहता है और जैशे मोहम्मद की तरफ से ये जिम्मेदारी लेना, ये कहना कि हमने करवाया है, ये सीधे सीधे पाकिस्तानी हमला कहा जाएगा। अब उस पर क्या भविष्य की रणनीति बनेगी ये हमारा नेतृत्व ही करेगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उन परिवारों के प्रति संवेदना तो है ही है, साथ ही साथ मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस दर्दनाक घटना के कारण पूरे देश का वातावरण का निर्माण हुआ है उससे पूरा देश इन शहीद के परिजनों के साथ खड़ा है। क्या लगता है? और निश्चित रूप से उस दिशा में हर प्रकार का जो भी आवश्यक कदम होगा वो उठाने का प्रयास किया जाएगा। क्या लगता है? ये मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये तो जो इस संबंध में विचार विमर्श करने वाले हैं वो इसके लिए कैसी स्ट्रेटजी बने उन सुनिश्चित करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि ये घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण हुई, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इन सारी चीज़ों के बारे में आज जो बैठक हुई है
इस पर सांगोपांग पूरे तौर पर निश्चित रूप से विचार हुआ होगा, कहाँ चूक हुई, कहाँ क्या रहा, क्या क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों पर विचार करते हुए उसको भविष्य की आगे की कैसी रणनीति बनाई जाए ताकि देश के लोग अपने को आत्मसुरक्षा का अनुभव कर सकें, ये निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व करेगा। इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस प्रकार के चीज़ें सामने आएंगी जो लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाली होगी, क्योंकि इस प्रकार की घटना जो हुई है ये दुश्मन देश ने देश के मनोबल को घटाने का प्रयास किया है, तोड़ने का प्रयास किया है, और उसको ये शायद जानकारी नहीं है कि भारत, हम तो किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन हमें अगर किसी ने छेड़ा है तो उसका उसके अनुरूप जवाब दिया जाएगा।